दोस्तों, कैसे हो आप लोग और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम है सुफियान एंड आई एम फ्रॉम पासपोर्ट लाइफस्टाइल्स और आज हम हिंदी में शूट करने की ट्राई करेंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू विजिट रशिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो आपके आसपास, जिससे देखे वो रशिया जा रहा है हॉलीडेज़ के लिए, बिकॉज रिलेटिवली रशिया जाना काफ़ी इजी हो गया है बाकी के देशों से। दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे कोई क्वारंटाइन के रूल्स नहीं है वैसे अभी तक। यू जस्ट हैव टू गेट दी RT-PCR और आप रशिया जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एक रशिया के बारे में वीडियो बनाएं, हाउ टू प्लान अ विजिट टू रशिया। वेल, रशिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो मैं आपको आज के वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इंडिया से रशिया आप कैसे जा सकते हो, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कौन सी जगह पे जाना है, होटल कैसे बुक करना है और साइट सीइंग में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, क्या वहाँ पर इंडियन खाना मिलता है, क्या वहाँ की लड़कियाँ सुंदर है, वगैरह वगैरह। सो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 1 इज योर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट अगले 6 महीनों के लिए वैलिड होना चाहिए और उसके अलावा आपके एटलीस्ट 2 पेजेस एम्प्टी होना चाहिए जिसके ऊपर वीज़ा का स्टैंप लग सके। नंबर 2 वीज़ा प्रोसीजर। आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसका वीज़ा प्रोसीजर आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप रशिया का एग्जाम्पल दें तो रशिया का वीज़ा इंडियंस को आसानी से मिल जाता है। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो, जैसे कि आपको एक फोटोग्राफ लगेगा वाइट बैकग्राउंड में, उसके अलावा आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट्स लगेंगे और उसके अलावा आपका वहाँ पे होटल का कॉन्फर्मेशन नंबर होना चाहिए जो कि एक टूर एजेंसी या डायरेक्ट होटल के साथ हो सकता है। मेरा सजेशन ये है कि आप बहुत सारी होटल्स वहाँ पे है जो आपको कॉन्फर्मेशन नंबर दे देगी बुकिंग के बाद, तो आप डायरेक्ट होटल के थ्रू बुक कीजिए। और उसके अलावा आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स के रूट देखने चाहिए। जहाँ तक रशिया का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्लाइट इज़ अवेलेबल फ्रॉम न्यू दिल्ली। एरोफ्लोट एक रशिया का कैरियर है जो आपको डायरेक्ट रशिया पहुँचा देगा नॉन स्टॉप। उसके अलावा एयर इंडिया इज़ अ गुड ऑप्शन, या तो फिर आप एमिरेट्स, एथिहाड, टर्किश एयरलाइन वगैरह भी आप बुक कर सकते हो अगर आप दिल्ली के बाहर रहे हो, जो आपको वाया कोई भी कंट्री के बड़ी आसानी से 10 से 12 घंटों में अलॉन्ग विद दिल्ली ओवर रशिया पहुंचा देंगे मॉस्को। मेरा सजेशन ये है कि आप दिल्ली से या इंडिया से नॉर्मली मॉस्को लैंड कीजिए और इसके अलावा मैं आपको आइटनरी की बात बताऊँगा कि कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। और जहाँ तक रशिया वीज़ा का सवाल है, आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना है रशिया वीज़ा एप्लीकेशन और आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जो आपको रशियन वीज़ा आसानी से अवेलेबल करवा देगी। आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि वो जो वेबसाइट से आप बुक कर रहे हो वो जेन्युइन हो। आपकी आसानी के लिए मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो आपको 10 से 12 हज़ार ऑन एन एवरेज पैसे लेकर आपको वीज़ा आसानी से मुहैया करवा देंगे। द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज द आइटनरी। आइटनरी जो है वो एक वेकेशन, एक हॉलीडे का सोर्स होता है जो बहुत ही आपको केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए। इस आइटनरी को मैंने 6 रात और 7 दिनों का रखा है, जिसमें 3 दिन आप मॉस्को में बिताओगे और 3 दिन आप सेंट पीटर्सबर्ग में बिताओगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है रशिया के अंदर। उसके अलावा आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है जो हम इंडियंस हमेशा रखते हैं, वो है बजट। सो मैंने इस आइटनरी को ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये आपकी पॉकेट पे ज़्यादा लोड ना डाले और अच्छे से आपके बजट में एक रशिया का इंटरनेशनल ट्रिप हो जाए। सो नंबर 1, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप मॉस्को में रशिया में कहाँ लैंड करोगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको ट्राई करना है कि आप मॉस्को में लैंड करो और फर्स्ट डे आपका मॉस्को में लैंड होगा। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो फ़्लाइट यहाँ से बुक करो, जनरली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स निकलती है इंडिया से वो रात को लेट निकलती है और ये आपको मॉस्को करीब 7, 8, 9, 10, 11 सुबह में अलग अलग टाइमिंग्स पर पहुंचा सकती है। मेरा सजेशन ये है आपके लिए कि आप ट्राई करें कि आपको जो आप फ्लाइट दे रहे हो वो सुबह 11 बजे के बाद मॉस्को में लैंड करवाए, क्योंकि मॉस्को के अंदर या रशिया के अंदर जो चेक इन टाइमिंग्स है होटल्स के वो 2 PM के बाद है। तो अगर आप अर्ली फ्लाइट ले लेते हो और इनकेस आप 8 बजे लैंड हो जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम किल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हेक्टिक हो सकता है एक लंबी फ्लाइट के बाद। सो मेरा सजेशन ये है कि आप 12 बजे के बाद लैंड कीजिए, अगर आपको वो फ्लाइट का ऑप्शन मिलता है तो बढ़िया है। सो डे 1 आप क्या करोगे, आप लैंड कीजिए, अपनी होटल में चेक इन कीजिए, होटल कहाँ बुक करें। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। रशिया के अंदर 3 स्टार से लेके 5-6 स्टार्स तक काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन हैं। अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं तो मेरी राय ये होगी कि आप सिटी सेंटर में अरबात स्ट्रीट के आसपास कोई भी होटल बुक कर लें, क्योंकि अरबात स्ट्रीट जो है वो रशिया का सेंटर है और रशिया एयरपोर्ट जो है वो सिटी सेंटर के थोड़ा बाहर है। रशिया एयरपोर्ट का नाम मैं यहाँ पे डाल दूँगा और आपको एयरपोर्ट से लेकर सिटी सेंटर पहुँचने तक करीब 45 किलोमीटर की जर्नी तय करनी होगी। करीब 1-1.5 घंटे का समय लग जाएगा। मॉस्को की ट्रैफिक कैन बी रियली हैवी। सो आप ट्राई कीजिए कि अरबात स्ट्रीट एरिया के आसपास अपना होटल लीजिए। There are couple of options around the airport also, but आप वो ना लीजिए, क्योंकि आप अगर सस्ते के चक्कर में एयरपोर्ट के आसपास होटल बुक कर लोगे तो आपको सिटी सेंटर आने के लिए 1-1.5 घंटे का समय लग जाएगा रोज़। तो बेहतर यही है कि आप सिटी सेंटर के आसपास, जैसे कि एक ऑप्शन है अरबात स्ट्रीट, और अरबात स्ट्रीट के आसपास काफ़ी सारी होटल्स है जैसे कि अजीमुथ, हयात वगैरह, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी करीब 5 से 6 हज़ार रुपये तक 3 स्टार होटल। एंड यू कुड ऑप्ट फॉर दिस। और अगर आप 5 स्टार होटल लेना चाह रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। वहाँ पे सोफीटेल है, वहाँ पे हयात है, वहाँ पे मैरियट है। तो आप अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हो। बट हम ये मान के चलेंगे कि ये बजट ट्रिप है, तो आप अरबात स्ट्रीट के पास कोई भी होटल बुक कीजिए जिसका कॉस्ट लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया होगा। उसके अलावा आप फर्स्ट डे लैंड करोगे और 3 रातों के लिए ये होटल बुक करोगे। फर्स्ट डे आपका जो इवनिंग होगा वो फ्री होगा। तो इस इवनिंग में आपको एक्चुअली जाना है सर्कस के लिए। रशियन सर्कस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट थिंग टू डू इन रशिया। तो अगर आप बच्चे नहीं भी हो तो आप थोड़े बच्चे बन जाइए और इस सर्कस के मज़े लीजिए, क्योंकि सर्कस बहुत ही अमेजिंग है। इसकी कॉस्ट लगभग $45 आपको भरनी पड़ेगी, बट इट इज़ टोटली वर्थ इट। आपका अच्छा एक इवनिंग टाइम स्पेंड होगा रशियन सर्कस के अंदर। और अगर आपके साथ बच्चे हैं, अगर आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो तो मज़ा ही आ जाएगा उनको। उसके अलावा डे 2 मेरा सजेशन ये होगा कि रशिया में काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए है, साइट सीइंग, जैसे कि क्रेमलिन, रेड स्क्वायर, सेंट बेसिल कैथीड्रल और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मॉस्को यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट। सो मेरा सजेशन ये होगा कि आप एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के ऊपर अपने आप को बुक कीजिए। ये आपको 4-5 घंटों में काफ़ी सारी जगहों पर घुमा देगी। और उसके अलावा अगर आपको और टाइम स्पेंड करना है तो मेरी राय में आपको रेड स्क्वायर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। रेड स्क्वायर एक बहुत ही फेमस स्क्वायर है रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर, जहाँ पे एक सेंट बेसिल कैथीड्रल है, वहाँ पे क्रेमलिन है। क्रेमलिन जो वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन का ऑफिशियल रेसिडेंस है और बहुत ही अच्छी वाइब है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने ओन से आफ्टर यू आर डन विथ दी हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर। और उसी इवनिंग में आप अगर आप नहीं थके हो तो आपको मेट्रो टूर लेना चाहिए, जो कि यूरोप का सबसे पुराना मेट्रो है और वहाँ के स्टेशंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आपको मेट्रो टूर डेफिनेटली लेना चाहिए शाम को। अगर आप थक चुके हो, आप मेट्रो टूर वो दिन नहीं करना चाहते हो तो आप अगले दिन भी कर सकते हो, जो कि आपका होगा डे 3। डे 3 में आप अगर आपने मेट्रो टूर नहीं किया है तो आप ये टूर मेट्रो टूर इस दिन कर लीजिए डे 3 में। और उसके अलावा आप ये जो दिन है वो थोड़ा इजी रखिए, जैसे कि आप जाइए बहुत ही फेमस वहाँ पे गम मॉल है, मॉल एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा मॉल है। उसके अलावा आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आप अरबात स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही फेमस स्ट्रेच है, एक वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे सुविनियर शॉप्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे बार्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स, इट इज़ अ वेरी नाइस वाइब, बहुत ही टूरिस्टी एरिया है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पर। सो ये 3 दिन आप ऐसे बिताओगे मॉस्को के अंदर। डे 4 को आपको एक स्पीड ट्रेन लेनी है जो बुलेट ट्रेन होती है, जिसे कहते हैं सैपसान, और मॉस्को से चलती है लेनिनग्राड्स्की स्टेशन से, जो आपको 4 घंटों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा देगी। सो आपकी ये जो टिकट होगी वो करीब $60 की होगी, और एंडिंग में मैं ट्राई करूँगा कि सब सेपरेटली प्राइसेस डाल दूँ। वेरी इजी टू बुक है, आप सैपसन की वेबसाइट पे जाइए और आपके दिन के मुताबिक आप अपनी सीट बुक कर लीजिए। बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक चेयर होती है इस ट्रेन की, आप अपना लगेज भी आसानी से अंदर लेके जा सकते हो, और 4 घंटों के अंदर आप सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच जाओगे। बहुत ही सीनिक जर्नी है मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग की। सो आप मॉस्को छोड़ के सेंट पीटर्सबर्ग आ गए। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक इन करना है, और शाम के वक्त आपको बस सिटी के मज़े लेने हैं। सेंट पीटर्सबर्ग इन माय ओपिनियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक एंड द गॉर्जियस सिटी इन यूरोप। बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर है। उसके अलावा ये आपको 4वां दिन होगा बाय द वे, तो आप रिलैक्स कीजिए। उसके अलावा 5वें दिन सुबह में अगेन हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का टूर ले लीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें घूमने के लिए, जैसे कि हर्मिटेज म्यूजियम, विंटर पैलेस, कैथरीन पैलेस, और काफ़ी सारी दूसरी चर्चेस भी है, तो आपको ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस आसानी से घुमा देगी। और उसके अलावा आपका जब हॉप ऑन हॉप ऑफ का समय ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको तय करना है कि आपको आपकी शाम कहाँ बितानी है। मेरी राय में अगर आप म्यूज़ियम वगैरह में दिलचस्पी रखते हो तो आपको हर्मिटेज म्यूजियम जाना चाहिए। वहाँ का जो अंदर का माहौल है वो काफ़ी हिस्टोरिक है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पर। और आप शाम को वापस स्ट्रोल कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है। अगर आपको पार्टी करनी है तो रूबिनस्टाइन करके एक जगह है, एक स्ट्रीट है, वहाँ पे आप पार्टी कर सकते हो। काफ़ी सारे बार्स, नाइट क्लब वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। और ओके, सबसे ज़रूरी चीज़, आपको सेंट पीटर्सबर्ग में रहना कहाँ पर है। सेंट पीटर्सबर्ग में मेरी राय में अगेन आप एयरपोर्ट के पास नहीं रहिए, क्योंकि एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप मेट्रो स्टेशन आप बुलेट ट्रेन स्टेशन से उतरोगे, और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्ट्रेच है जिसे कहते हैं नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुंदर एक स्ट्रीट है। आप वो स्ट्रीट में कहीं पे भी होटल बुक करके रह सकते हो। प्राइसेस अगेन 3 स्टार के 5,000 to 6,000 के बीच में रेंज हो गए। काफ़ी सारे हॉस्टल के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, और अगर आपको 5 स्टार के लिए जाना है तो कोरंथिया वगैरह भी अवेलेबल है, जो 5 स्टार कैटेगरी की होटल्स हैं। तो यस, आप ये कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया डे 5 तक। डे 6 में आप क्या करोगे। डे 6 में आपको ये करना है कि आपको एक एक्सकर्शन बुक करना है, जिसे कहते हैं सेंट पीटरहॉफ पैलेस का एक्सकर्शन। इस पीटरहॉफ पैलेस एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है। 2 तरीके हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। एक है हाइड्रोफॉइल, जो कि एक स्पीड बोट कह लीजिए, जिसे आप आम भाषा में, जो आपको पीटरहॉफ पैलेस तक पहुँचा देगा। और एक दूसरा तरीका है बाई रोड, जैसे आप बस या गाड़ी से जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत सारे टूर निकलते हैं पीटरहॉफ पैलेस के लिए, जो आप बुक कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इन्हें बुक कर सकते हो। और पीटरहॉफ पैलेस, अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग गए हो तो आपको ज़रूर 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 देखना है। जैसे कि आप आगरा जाते हो तो आपको ताजमहल देखना अनिवार्य हो जाता है, वैसे ही आपको देखना ही होगा सेंट पीटरहॉफ पैलेस। इट इज़ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। सो यस, ऐसे करके आपके 6 दिन बीत जाएंगे रशिया के अंदर। 7वें दिन आप पुल्कोवो एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट की वापसी होगी, जो इंडिया लेके आएगी आपको। तो 6 रात, मतलब 3 मॉस्को में, 3 सेंट पीटर्सबर्ग में आप बिताओगे। 7वें दिन आप की फ़्लाइट होगी, जिसे लेके आप वापस इंडिया आओगे। तो ये जो आपकी आइटनरी है, ये काफ़ी होलसम है, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑन बजट देख लोगे। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो है खाना। आप खाने का क्या करोगे। देखिए, अगर आप जंक फूड में हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे मैकडॉनल्ड्स वगैरह अवेलेबल है। बाकी लोकल कॉफ़ी शॉप्स में भी काफ़ी अच्छे सैंडविचेस, कॉफ़ीज़ वगैरह मिल जाती है, तो आप वो खा पी सकते हो वहाँ से। हमारा जो करेंसी है वो रशिया से इतना ऊपर नीचे नहीं है। हमारा है इंडियन रुपीज़ और उनका है रशियन रूबल्स। तो अगर आप स्केल पे देखोगे एज ऑफ टुडे हमारा 1 रुपया उनका 1 रुपया 20 पैसे है। तो इट इज़ नॉट दैट यू नो डिफरेंट, इट इज़ नॉट दैट डिफरेंट। सो यू कुड एक्चुअली स्पेंड एज इफ यू आर स्पेंडिंग इन इंडिया। उसके अलावा अगर आप उनमें से हो जो बाहर जाके भी आपको इंडियन खाने की बिना नहीं चलता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़े आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज अगर आप सोचो तो करीब 2000 रुपये का एक मील पड़ेगा, 2000 रूबल मे बी। सो यस, 2000 रूबल का लंच, 2000 रूबल का डिनर अप्रॉक्सीमेटली। अगेन दिस इज़ द बेसिक यू नो मील। इफ़ यू वांट टू ऐड लाइक स्टार्टर्स डिजर्ट एंड ऑल दैट देन इट इज़ टोटली अप टू यू, बट ऑन एन एवरेज 2000 रुपये में एक कपल आसानी से यू नो पेट भर के इंडियन खाना खा सकता है रशिया में। दैट इज़ नो प्रॉब्लम। सो यस, फ्लाइट्स हो गई, वीज़ा हो गई, अकोमोडेशन हो गया, खाना हो गया और एक्सकर्शंस भी हो गया। तो अभी मेन क्वेश्चन आता है कि खर्चा कितना होगा। ऑन एन एवरेज आपको इंडिया से रशिया की जो फ्लाइट टिकट है अगर आप 2 महीने पहले बुक करोगे तो 55 से 60 हज़ार रुपये की आ जाएगी ऑन एन एवरेज अगेन। उसके अलावा आपका जो वीज़ा का चार्ज होगा वो 12,000 पर पर्सन अगर आप पकड़ के चलो तो 24,000 रुपये आपके वीज़ा के हो जाएंगे। उसके अलावा अकोमोडेशन अगर आप 6,000 के अकोमोडेशन का पकड़ते हो तो 36,000 आपके अकोमोडेशन भी हो जाएंगे। खाने के अगर आप पकड़ लो, अगर आप रोज़ इंडियन खाना खा रहे हो लंच और डिनर में तो 2, 4, 6, 8 यानी कि अगर आप 6 दिन भी हो तो 12 मील्स आपकी होगी। 12 × 2, 24,000 आपके खाने की हो गए। ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा होटल से, उसकी कोई यू नो फिक्र नहीं करना आप। और उसके अलावा जो एक्सक्लूजन मैंने आपको बताया कि अगर आपको हॉप एंड हॉप ऑफ बस लेनी है या आपको सर्कस में जाना है या आपको AK-47 का टूर करना है जो बहुत ही फेमस है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे होता है, करीब $250 लगते हैं उसके लिए, पर वो भी बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। अगर आपको करना हो तो ये आप सेंट पीटर्सबर्ग में कर सकते हो जो वहाँ पर बेहतर फैसिलिटीज़ है। तो यस, इसके अगर ये टोटली आपके ऊपर है आपको क्या एक्सप्लोजन करना है। आप करीब 20,000 to 25,000 इसके साइड पर रखकर चल सकते हो। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा टुवर्ड्स दी एंड कि आपका कितना पैसा जाने वाला है एक रशियन ट्रिप के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यू नो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। और नॉर्मली ये जो है 6 रात 7 दिन का जो रशिया ट्रिप है वो आपका आसानी से करीब 2.25 लाख में 2,25,000 अप्रॉक्सीमेटली में कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग। दैट मीन्स एक आदमी का अगर आप उसको डिवाइड कर दो तो करीब 1,10,000-12,000 रुपये में आपको पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू रशिया आप ये टिप्स फॉलो कीजिए, आपको बड़ा ही यू नो मज़ा आएगा और बड़ा ही आसानी से आपका ये ट्रिप हो जाएगा। सो यस, बाकी की चीज़ें वी विल ट्राई टू पुट इट इन टू द डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो हमने हिंदी में शूट करने की ट्राई की है तो हमने आपको बताइए आपको कैसा लगा। और यस, उसके अलावा हम ऐसे ही कुछ वीडियोस इन फ्यूचर भी बनाते रहेंगे और आप हमें बता सकते हो अगर आपको एक स्पेसिफिक यू नो कंट्री के लिए वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक रिलेटेड टूरिज्म एंड लाइफस्टाइल। वी विल डेफिनेटली मेक दैट फॉर यू। ओके, सो आई होप आप यू नो इंडिया से निकलोगे और रशिया जाओगे जल्द ही और मुझे आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी बताओगे। और उसके अलावा आज के लिए इतना ही। We will see you until next time.